हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हुलुलु, आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल पंडा ट्रेमेकर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक सिंपल टी कैसे बनाते हैं हम लोगों, जो कि इजी तरीके से वो आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, ये होता है मेन केबल ट्रे, हम इसको रेसवे बोलते हैं, आप चाहे ट्रंकिंग ऐसा कुछ बोला जाता होगा। तो देखिए, ये मेन ट्रे है और हम इधर से एक लिंक निकाला, जो कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, जैसे कि कोई लाइट होने दो या किसी में ये में केबल जाएगा। ओके, इसी प्रकार से हमको बनाना है। ये 100 mm है, ये 200 में हम लिंक किया। सिंपल देख सकते हैं इसको हमने किस तरीके से बनाया है, ये इसी प्रकार से दिखाई दे रहा है फाइनल में। और इसको पेंट किया जाएगा। ओके, इसका अंदर का हिस्सा भी इस प्रकार से है, और ये ऐसा ग्रुप कट करके आप इसमें ओके इसी प्रकार से होने वाला है। आपका केबल जो आएगा ये 45 degree, ये 45 degree होके आएगा फुल डायरेक्ट, एक ही बार में 90 degree हो जाएगा। तो उसका एक कॉर्नर भी आ सकता है, उधर केबल स्क्रीन होने का भी चांसेस है। ये सभी ऐसे किया जाएगा तो स्क्रीन होने का नहीं चांसेस नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्ट ये जो प्लेट को यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर एक ऐसा प्लेट रख डाल के हम इसको वेल्ड कर लिया है। और ये प्लेट कैसे कटिंग करते हैं हम देख सकते हैं, इसका मेजरमेंट हमने यहाँ पर दे रखा है, ये 51 कर दिया, ऐसे 51, ऐसे 51, क्योंकि हमारा कटिंग जो होगा 1 mm जाएगा बोल के हम अंदाज में 51 रखा है। ठीक है, देख सकते हैं ऐसे 51, ऐसे 51, और ये 5 mm में ज़्यादा रखा है, क्योंकि बाद में ये पीस कटिंग किया जाएगा। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से इसका ये पीस बनता है, जो कि यहाँ पर लगाया जाएगा। बाद में इसको कट किया जाए, देख सकते हैं ये यहाँ पर सेट किया जाएगा तो ऐसे हो जाते हैं। इसमें मेजरमेंट कुछ भी इधर उधर का नहीं है, मैंने जो बोला है वही है। और हम जो रेशियो का कटिंग किया जाता है, ये 70 mm लिया, ये आप कुछ भी रख सकते हैं, जो कि ये मुड़ेगा। ठीक है, ये वाला पीस ओके, मैंने 30 mm रखा है ऐसे ही, और इसको कटिंग करके मैं दिखाता है आपको।
तो दोस्तों फाइनल स्टेज में कुछ इस प्रकार का बन गया, देख सकते हैं हम पेंट बना लिया है। और ये कुछ इसी प्रकार से आपको ग्रुप कट कर लेना है। देखिए ये बैंड है, ये एक बैंड है, यही बैंड के जगह मेजरमेंट कर लीजिए, राइट एंगल में मार्किंग सीधे कटिंग कर दीजिए, वो पीस को निकाल के हटा दीजिए, ठीक है। और डालने के बाद इस प्रकार से रहेगा, आप दो नॉट बोल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वेल्डिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार से ए साइड में हम किया है, देख सकते हैं फाइनल हो गया है, ओनली पेंटिंग मारना है और ये बनने वाला है, वही बना गया है, सभी रेडी हो गए। इसका जो कॉर्नर इतना सारे हमने कटिंग किया है और फिर उधर रखा गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, और आपको कुछ डाउट या कुछ सलाह देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप परमानेंटली हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। फिर मिलेंगे और एक ऐसे नए टेक्निक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहते हैं, नमस्कार।